मैं क्या दूंगा, मैं तो देखने आया हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं, एक बार फिल्म देख लूंगा फिर उसके बाद बात करेंगे। अनुराग हैज बीन अ ग्रेट रेवोल्यूशन इन इंडियन सिनेमा एंड आई फील दैट द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट ही हैज बीन मेकिंग एंड हैज बीन प्रमोटिंग क्रिएटिंग अ न्यू ऑडियंस एंड दैट इज वेरी 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 एक्सेप्शनल एंड मच अप्रिशिएटेड। मेरा बहुत क्लोज नाता है चिटागोंग के साथ। शुराली जिसने फिल्म प्रोड्यूस की है, बेदो जिन्होंने डायरेक्ट की है और जितने भी लोग इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। अब एक वक्त था जब मेरा भी इस फिल्म के साथ जुड़ने का बहुत शौक था लेकिन मैं उस वक्त फिल्म कर रहा था लुक में था तो इसलिए कर नहीं पाया। आई एम सो हैप्पी कि अब वो फिल्म रिलीज हो रही है, बहुत अच्छे टॉपिक पे है, बहुत अच्छे एक्टर है मनोज एंड नवाजुद्दीन, नवाज इज देयर, लेडी कॉल्ड वेगा, राजकुमार, सो ऑल ऑफ देम हैव वर्क वेरी हार्ड एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, इट हैज ऑलवेज बीन। आई रियली लाइक द फिल्म व्हेन आई हर्ड अबाउट इट ऑल्सो अबाउट 2 years बैक, सो आई विश इट ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है कि ये फिल्म जरूर चलेगी, अच्छी फिल्म है और जो भी अच्छी फिल्म है जैसे कि इस साल जितनी भी अच्छी फिल्में लगी हैं लोगों ने उसे पसंद किया और ये अच्छी बात है कि अच्छी फिल्में ज़्यादा चल रही हैं और उसका बिजनेस ज़्यादा हो रही है। एक के बाद एक पिक्चरें बना रहा हूँ, एक सब्जेक्ट पे 10 पिक्चर बने हैं, वो तो अच्छी बनेंगी और जो कड़क बनेंगी वो करेंगी ना। कमाल की प्रोडक्शन हाउस से अनुराग के साथ बड़ा पुराना एसोसिएशन है, सुनील के साथ, अभिनव के साथ, इनफैक्ट ऑल द एक्टर्स, द प्रोडक्ट इज लुकिंग वेरी गुड एंड आई एम श्योर इट गोइंग टू बी ग्रेट वन। ऑडियंस हैव ग्रोन, यू नो, दे हैव एक्सपोज्ड टू इंटरनेशनल सिनेमा एंड दे आर ओपन टू वॉचिंग फिल्म्स लाइक दीज एंड इसे थोड़ा सा करती है बट अ गुड प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव हिज ओन शेयर। फिल्म में लोग देखते हैं, ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स रही हैं कि जब फिल्मों को बहुत वक्त लगा रिलीज होने में लेकिन अच्छी फिल्मों ने हमेशा अपना एक जगह बनाई एंड पीपल हैव ऑलवेज लव्ड इट। ना ही सिर्फ डायरेक्शन, परफॉर्मेंसेस, म्यूजिक, हर चीज़ में फिल्म बहुत ही बहुत खूबसूरत फिल्म। अनुराग आई थिंक कंटेम्प्रेरी सिनेमा का सबसे बड़ा रिवोल्यूशनरी है, बहुत ही अच्छा फिल्म मेकर है, वन ऑफ द रेयरेस्ट फिल्म मेकर जिसकी फिल्म का मैं वेट करता हूँ देखने का, चाहे वो फिल्म प्रोड्यूस की उसने चाहे डायरेक्ट की हो। तो चिटागोंग तो खैर मेरी देखी हुई फिल्म है, आई एम वेरी हैप्पी कि ये फिल्म रिलीज़ हो रही है क्योंकि ये इतनी खूबसूरत फिल्म है कि इसका ना रिलीज़ होना मुझे बहुत बहुत दुख देता। नए कैरेक्टर्स करने को मिल रहा है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑडियंसेस को अच्छे लग रहे हैं। एक ऑडियंसेस एक कमर्शियल पॉट बॉयलर भी देखती है और एक बहुत ही सो कॉल्ड ऑफ बीटिश फिल्म भी देखती है एंड आई थिंक सारी फिल्में अच्छा कर रही है एंड दैट्स द वे टू गो। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, चिटागोंग आई थिंक इज अ फैबुलस सब्जेक्ट। सोनाली बोस और वेदो प्रदो को मैं पहले से जानती हूँ एंड आई थिंक देयर सेंसिबिलिटी इज फैंटास्टिक एंड आई थिंक दे विल really make a good film. It's not your regular kind of film ki historic film hai aur iski distribution and there were a lot of not problems ki get it so that it's correct ki galat log shouldn't release this film and then it should not get any publicity. Abhi dekhiye ek bada sa ho raha hai idhar and it's very nice that you know this got the right support. Ek song hai bolo na jo Shankar ne gaya hai, it's very very lovely. Hum logon ne 3.5 saal pehle ki thi, kisi wajah se thoda sa puri tarah se thoda late ho gayi बट तो फिल्म इतनी खूबसूरत है, आप शौक हो जाएंगे इस फिल्म को देखकर। आपको सिनेमा में बहुत चेंजेस आ गया, अभी इस तरह की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पे हिट हो रही हैं तो जैसे लोगों ने टैग कर रखा था कि ये फिल्म जो है ऑफ बीट है और ये कमर्शियल सिनेमा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहा अभी तो। दोनों तरह की जो फिल्में हैं वो कमर्शियल हो गई हैं। भाईजान ने रेल लगा रखी है, एक ही दिन पे दो दो फिल्में रिलीज़ कर रहे हैं, या चिटागोंग और अभी लव शब्द चिकन पुराना भी है। अच्छी बात है, बहुत सारी स्मॉल फिल्म जा रही हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं और खासकर चिटागोंग बहुत साल से फंसी हुई थी, बड़ी तारीफ सुनी है इस फिल्म की और काफ़ी लोग आ रहे हैं सपोर्ट कर। I think this film is completely made differently. The focus of the film is not what is reported in Thelaiyam Vijayanthi. A film like this probably doesn't need a huge star cast. It needs brilliant performances. And we have seen people who've been part of this movie
We've also been part of films like Gangs of Wasseypur. I've been, you know, performance-based movie, and I think this has a huge chance. They say har waqt you only have good expectations, and the rest I'll just see the film and decide. But I'm very excited. The kind of films I would like to see. अगर एक ही चीज़ पे दो मूवी मिलती है तो दर्शक को एक बार फिर से उस सब्जेक्ट को देखने का मौका मिलता है, और मेरे को पूरा विश्वास है कि ये फिल्म चलेगी।